Good morning everyone. Today we will discuss about the preparation of resin and phosresin phenol formaldehydes. In this molecules, formation of resin as a two type of resin, novellite and baphylides. The first of phenol molecules, you know their structures, phenol, this is OH, react with formaldehydes, C double bond or dono side mein do hydrogen se. In the presence of acidic or basic condition, acidic or basic conditions, this is OH negative. Isme se dono possible hai ki hum isme acidic and basic condition as a catalyst or formation of carbocation or carboanion ke liye isme use kiya jayega. To better rahega acidic medium. तो फर्स्ट ऑफ क्या होगा इसमें से देखा जा रहा है किस तरह से रिएक्शन है. तो मैकेनिज्म पार्ट, मैकेनिज्म इसमें आता है फर्स्ट स्टेप. स्टेप फर्स्ट इज इनिशिएशन. ओके इनिशिएशन, तो इनिशिएशन में सबसे पहले इनिशियल जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनिशियल पार्ट. तो इनिशियल पार्ट में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर जे कैटलिस्ट एक्टिवेशंस. तो दिस मॉलिक्यूल्स इसमें से कौन सा रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड्स. तो फॉर्मेल्डिहाइड्स रिएक्ट विद एसिडिक मॉलिक्यूल एच पॉजिटिव. तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के वो बेसिक पार्ट प्रोटॉन के साथ रिएक्ट होगा. तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑक्सीजन दिस आर पॉजिटिव इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड. फिर इसके रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में ये कैसे है पॉजिटिव ऑक्सीजन होने की वजह से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा टू हाइड्रोजन ऐसा लिख सकते हैं सी एच टू. ये पाई बॉन्ड जाने के बाद लोन पेयर मिलेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज मिला यहाँ पे OH. इट इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. ठीक है एंड दिस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फर्स्ट इज इनिशियल स्टेप. सेकेंड स्टेप हम क्या देखते हैं प्रोपगेशंस. तो प्रोपगेशन में फिनॉल, दिस फिनॉल मॉलिक्यूल्स, ओके दिस इज OH. तो फिनॉल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इसमें भी दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे. तो इलेक्ट्रॉन डोन पेयर ग्रुप मोस्ट ऑफ द एक्टिवेट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. ये है अपने ऑर्थो पोजिशन दोनों और ये आपके पैरा. तो इन द प्रेजेंट्स दिस मॉलिक्यूल डिपेंड करेंगे तो क्या मिल रहा है सी एच टू दिस इज ओ एच दिस इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो ऑर्थो पोजिशन है इस ऑर्थो पोजिशन के में उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो अपने को बोथ प्लेस हो सकता है. सबसे पहले मैं ऑर्थो में देता हूँ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एच टू ओ एच इस पोजिशन से ओ एच. और दूसरा क्या बन सकता है इसमें एज ए पैरा पोजिशन यहाँ पे सी एच टू दिस इज ओ एच इस पोजिशन में फिनॉलिक ओ एच. और बोध इसमें जैसे ऑर्थो और पैरा और एक इसमें से हैवी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिपेंड करेगा फॉर्मेलडिहाइड पे सी एच टू ओ एच इस पोजिशन पे ओ एच. बोथ साइड ऑफ ऑर्थो दिस इज ओ एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच. ओके इसमें थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेलडिहाइड. अगर फॉर्मेलडिहाइड थ्री टू वन है इस पोजीशन पे 1:1 है इसमें 1:1 है. मतलब ये क्या हो रहा है वन पार्ट ऑफ फिनॉल वन पार्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड्स. इसमें वन पार्ट ऑफ फिनॉल वन पार्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड्स. इट इज अ मेजर क्योंकि प्यारा इसमें मेजर मिलता है. इट इज अ मेजर इट इज अ माइनर डिपेंड टेम्परेचर्स पे रहेगा. और ये बोथ पोजीशन डिपेंड करेगा थ्री पार्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड वन पार्ट ऑफ क्या लेंगे हम यहाँ पे फिनॉल्स. ओके इसको फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप जब हमारे इसमें से प्रोपोगेशन और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ये कंटिन्यू रहेगा. अभी अनदर मॉलिक्यूल्स ये फॉर्मेशन हो गए. फॉर्मेशन होने के बाद अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस. अब इसको अगर कंबाइन कंटिन्यू हम लोग शुरू रखेंगे ऐसे नंबर एन नंबर ये क्या बन गया हमारा मोनोमर. ओके इट इज अ मोनोमर सिमेंट. अगर वन मोनोमर यूनिट एज मैं प्यारा ये कौन सा रहेगा ऑर्थो फॉर्म में. जैसे ऑर्थो फॉर्म में अगर हम लोग यूज करते हैं OH CH2 दिस इज OH. अभी हाईली प्रेफरेंस इज बेंजीलिक अल्कोहल. तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीलिक अल्कोहल
react with n number in the presence of another reactive intermediate formaldehyde CH2, this is OH in the presence of acidic molecules. फिर से तो continue, ये भी n number, ऐसे n number पे हम अगर इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, इट इज ए पॉलीमराइजेशन. ओके, आफ्टर पॉलीमराइजेशन इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, जो CH2 and OH another molecule is n number in the presence of formaldehydes, the completely is tarah se apne ko milega two molecules. First yahan pe OH double bond, this position pe kya hai CH2 OH, the another molecule of phenol, isko fir se us tarah se rearrange karo, this is OH aur yahan pe kya se kya rahega CH2 OH kyunki formaldehyde and phenol ke present mein. तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटॉन है ये भी कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, इसके सबसे ऑर्थो ऑर्थो स्फीयर, इसमें ऑर्थो पोजीशन के प्रोटॉन, ऑर्थो पोजीशन के प्रोटॉन और यहाँ पे OH, ये एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द ऑटो मॉलिक्यूल्स, इनमें से एलिमिनेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑटो मॉलिक्यूल्स, और ये ऑटो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद अपने को यहाँ पे पॉलीमर्स मिलेंगे. मैं इसको ये भी पे इसको लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इस पोजिशन से OH गया है, यहाँ से प्रोटॉन, हम इसके से ब्रिज में CH2 डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इस n नंबर ऐसे शुरू रहेगा, इसमें कितने n नंबर पे, यहाँ पे इस तरह से n नंबर, दिस n नंबर आर लीनियर फॉर्म एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस इन कंडेंसेशन मेथड, क्योंकि कंडेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से एलिमिनेट हो रहा है, क्या एलिमिनेट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस H2O n नंबर, इट इज n नंबर, इसी कॉल्ड इज ए नोवेलेक, इसको क्या बोला जाता है नोवेलेक. तो ये नोवेलेक फॉर्मेशन हुआ, नोवेलेक यहाँ पे O N O V O L A C, इट इज ए नोवेलेक, इट्स ए लीनियर फॉर्मेशन. सेम अगर लीनियर फॉर्मेशन है तो इसको नोवेलेक, और इसमें अगर क्रॉस लिंक एक्स्ट्रा हम अगर फिर से फॉर्मेलेट के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं तो अपने को क्रॉस लिंक एबो एंड बिलो द प्लेन एंड बोथ ऑर्थो एंड प्यारा, बोथ ऑर्थो एंड प्यारा रिएक्ट होगा और अपने को क्या मिलेंगे, बैकलेट, इट इज ए इम्पॉर्टेंट पॉलीमर फॉर एवरीडे ऑफ लाइफ, इसका भी देखते हैं. सेम इसी तरह से इसको एक्टिवेट किया जाएगा, जैसे अभी आपने देखा है अभी नोवेलेक, तो नोवेलेक में कैसे दिख रहा है कि लीनियर में मिल रहा है अपने को इस तरह से, मैं इसको फिर से लिखता हूँ CH2, दिस इज OH प्लस अनदर मॉलिक्यूल्स, दिस इज OH, यहाँ से प्रोटॉन और इस पोजीशन पे CH2 OH, इज n नंबर, मैं इसमें n नंबर पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स, दिस इज OH CH2 OH. ओके, तो समझ लीजिए मोनोमर यूनिट है, यहाँ पे थ्री मोनोमर यूनिट लिए है और इसके इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हीटिंग एट द रूम टेम्परेचर, जिसको मैं हीट करता हूँ या उसका टेम्परेचर कभी कभी 78 डिग्री सेल्सियस में यूज करेंगे, एंड 2 to 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर. इनमें से क्या होगा, यहाँ से OH आ रही ऑर्थो पोजिशन है, क्या जाएंगे यहाँ से ऑर्थो पोजिशन के हाइड्रोजन्स आर इस CH2 और बेंजीन पोजीशन ऑफ OH, सेम यहाँ के भी प्रोटॉन और एलिमिनेशन, अपने को पहला क्या मिलेगा इस तरह से, एज ए नोबल है मतलब CH2, दिस इज OH, फिर से यहाँ पे OH इस मॉलिक्यूल CH2 और यहाँ पे अपने को अनदर बेंजीन रिंग और इस पोजीशन पे एक्टिव CH2 एंड OH. ओके, it is a novelic formations, it's a novelic, and this novelic formation react with is a n number of formaldehydes as active in the presence of acidic mein isme active formaldehydes, the active formaldehydes se pehle dekhenge ki formaldehyde in the presence of acid to apne ko kya milenge is tarah se reactive electrophilic reagents. ab ye electrophilic reagent cross reaction kahan pe kar sakte hai, pyara pyara pyara, क्योंकि ये दोनों पोजीशन खाली है, वन ये प्यारा प्यारा प्यारा, इसमें प्यारा पोजीशन पे रिएक्ट करेंगे, इस तरह से प्यारा पोजीशन पे रिएक्ट करने के बाद OH CH2, फिर यहाँ पे OH इस पोजीशन पे CH2, इस तरह से n नंबर. ओके, दिस इज OH और यहाँ पे CH2,
OH से N नंबर पे इस तरह से रिएक्शन होगा और N नंबर अब पैरा पोजीशन पे लगने के बाद भी कैसा हो रहा है CH2OH इस पोजीशन CH2OH इस पोजीशन पे भी CH2 एंड OH ओके इस तरह से पैरा पोजीशन तो अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम दिस नोवेलेट सीरीज इसमें से कैसे होगा फिर से अनदर मॉलिक्यूल इस पे रिएक्ट हो रहा है अनदर मॉलिक्यूल इस एन नंबर्स पे रिएक्ट होने के बाद अपने को यहाँ पे क्या मिलेंगे न्यू मॉलिक्यूल्स जिसको हम बैकलेट बोलेंगे तो यहाँ से OH और उनमें से H तो फिनॉल में से इसे पैरा पोजीशन इसके पैरा उसके भी पैरा पोजीशन थी इस पोजीशन पे रहेगा OH और ये OH अनदर मॉलिक्यूल्स CH2 ये भी इस पोजीशन पे बेंजीन का इस तरह से रिएक्ट होगा ये नेटवर्क जैसा इसमें बनते जाएंगे इस पोजीशन से OH जाएगा यहाँ पे फिर से CH2 This is benzene के इस पोजीशन पे OH OH और ये फिर से CH2 तो पूरे मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग इस तरह से रिएक्ट देख सकते हैं इस पोजीशन से यहाँ से भी OH चला जाएगा N नंबर तो ये पहले क्या था हमारा नोवेलेट एंड दिस मॉलिक्यूल N नंबर इज कॉल्ड एज ए बैकेलाइट उसको क्या बोला जाता है बैकेलाइट्स इट इज अ बैकेलाइट रेजिन ओके ये बैकेलाइट रेजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ फिजिक इसमें से पहला देखिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बैकेलाइट्स फॉर पॉलीमराइजेशन इज अ हायर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एज ए हार्ड बैकेलाइट्स यूज फॉर द मेकिंग कर्म्स फाउंटेन पेन बैरल्स फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड हैंडल ऑफ द वेरियस यूटेंसिल फॉर्मिका टेबल्स एंड अदर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ये हमारे बैकेलाइट्स है उससे तैयार किया जाता है और इसमें से इंपॉर्टेंट क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फिनॉल फॉर्मलाडिहाइड से पहला अगर लीनियर फॉर्म हो रहा है इट इज अ नोवेलेट ये किसको क्या बोलेंगे हम नोवेलेट दिस पार्ट लीनियर फॉर्मेशन इज ए नोवेलेट एंड इज क्रॉस लिंक फॉर्मेशन इट इज ए क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन इट इज ए लीनियर फॉर्मेशन तो ये बैकेलाइट्स और इट इज ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिन इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मेलामाइन्स This melamine formaldehyde तो फर्स्ट ऑफ मेलामाइन का स्ट्रक्चर्स इसमें साइक्लिक में एन नंबर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगी नाइट्रोजन्स यहाँ पे नाइट्रोजन्स इज थ्री और अल्टरनेट इज ए बेंजीन लाइक रहेंगे इसमें डबल बॉन्ड्स यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पोजीशन डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड और दिस मॉलिक्यूल्स कार्बन कंटेंट NH2 दिस इज NH2 इस पोजीशन पे NH2 और इस पोजीशन पे भी क्या रहेगा NH2 दिस इज इसमें से टोटल अगर मेलामाइन में देखा जाए तो 6 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये 6 नाइट्रोजन पे लोन पेयर इसमें एक्टिव इसे अमाइन ग्रुप में रहेगा इसमें लोन पेयर दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट विद अगेन फॉर्मेल्डिहाइड्स हम उसको ऐसा दिखा सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इस पोजीशन पे क्या रहेंगे अगर ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड डबल बॉन्ड ये हमारा कैसा है एन नंबर ऑफ मोनोमर इज अ डिफरेंट इज ए मोनोमर्स और इज ए एक्टिव रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक्स में इसमें से लोन पेयर ऑफ अमाइंस नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इट इज अ रीअरेंज कंडेंस प्रोडक्ट रीअरेंज होगा पहला इट इज अ फर्स्ट मोनोमर फॉर्मेशन इसमें मोनोमर में नाइट्रोजन और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड ओके अब जो यहाँ पे एन नाइट्रोजन है नाइट्रोजन लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट है टू हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ और इसके साथ बॉन्डिंग हो रहा है किस कार्बन तो कार्बन में क्या है यहाँ पे CH2 जिसे ऑक्सीजन नेगेटिव क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये नाइट्रोजन क्या है पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि लोन पेयर से वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ
तो साइमल्टेनियसली सेम वन ऑफ द प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिटर्न हो जाएगा। तो ये लोन पेयर इसको रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे लोन पेयर रिटर्न। अब लोन पेयर रिटर्न होने के बाद यहाँ से जो प्रोटॉन गया इस पोजीशन पे प्रोटॉन रहेगा, एक ही जगह मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से प्रोटॉन इस तरह से पहला। तो सेम अनदर पोजिशन पे भी जो यहाँ पे एनएच टू प्रेजेंट है, यहाँ पे जो एनएच टू सेम इज ए फॉर्मेल्डिहाइड। तो थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे थ्री टाइम्स। तो हम जब एन मॉलिक्यूल लेंगे तो थ्री एन दैट इज वन एन, दैट इज वन एंड थ्री। तो सेम इन दिस वे हमको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एन एच सी एच टू ओ एच, इस पोजिशन पे एन एच सी एच टू ओ एच, इस तरह से उन्होंने ये मोनोमर इसे कंप्लीट फॉर्मेल्डिहाइड्स एंड मेलामाइन मोनोमर, फॉर्मेल्डिहाइड मेलामाइन मोनोमर इज एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये एक्टिव मॉलिक्यूल सेम ऐसे नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, अभी इसमें नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स लेंगे और इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, तो नियर अबाउट इसमें 100 डिग्री ई टू 120 डिग्री सेल्सियस से अबव इसका टेम्परेचर इज ए पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक कंडीशंस, और इसमें 5 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इस प्रेशर में रहेंगे जिसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हो रहा है और अपने को इस तरह से पॉलीमर मिलेंगे। दिस इज एन ओके। सबसे पहले इस पोजीशन पे CH2 क्योंकि इसमें से N नहीं, यहाँ पे CH2 नहीं N H CH2 क्योंकि अनदर मॉलिक्यूल में से एक OH से में से टू मॉलिक्यूल्स वन पोजीशन से OH अदर पोजीशन से H, इस तरह से इसमें से एलिमिनेट होगा और NH एलिमिनेशन होने के बाद जो हमारे मिलेंगे इसमें से इस पोजीशन पे N नंबर। तो यहाँ पे भी सेम NH इसमें क्रॉस लिंक, यहाँ पे भी एन नंबर यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे इस पोजीशन पे सी एच टू एन एच एन एच, और यहाँ से भी सेम एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से एलिमिनेशन हो रहा है कितने थ्री थ्री एन वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर इसमें समझते रहे से थ्री एन मॉलिक्यूल्स दिस इज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इट इज कॉल्ड एज अ मेलामाइन रेजिन। इसलिए क्या बन रहा है हमारा मेलामाइन रेजिन, it is a tough and highly stable molecules, it is used in the unbreakable prokaryotes, it is used for in the different type of making cup plates and quite hard and durable materials, and it is used in the few times it is for the preparations of hard aircraft materials okay, this is important resins okay, thank you. Next day we are discussion about the natural polymers and natural rubber, is it natural rubber and synthetic rubber okay, thank you.